नाथ जय जय जगन्नाथ। ध्यायेत ब्रह्मांडनाथं नीलनीलदतनु रत्नसिंहासनस्तं तदक्रे भाग्यदात्री तदक्रे भाग्यदात्री रुचिरुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदक्रे कामपालं धवलवरतनु लंगलं जस्य बाणु श्रीलक्ष्मीरेव तिर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्मं स्मरामि। परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं कपद कमल तले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम। सिया राम मैया सब जग जानी करहु प्रणाम जूनि जुग पानी। प्रियात्मन दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर से चका चका नयन औरंगाधर दर्शन करुछंती आया ता सहित राई दामोदर किपरि भावरे पूजन चली ताहा मध्य आपण माने दर्शन करुछंती। महाप्रभु होती कोटि कैवल्यनाथ आज्ञा तंक पाख को जिया आसी कोटिए नहले गोटिए कैवल्य तो प्राप्ति होई थाए ना। निश्चित भावरे महाप्रभु कैवल्यदाता कैवल्यदायक हरे त्रिजगन्निवास श्री कैवल्यदाता होती। देखंतु मास चली कार्तिक मास ये कार्तिक मासर प्रातस्नान कौन रही महात्म्य प्रातस्नान कले कौन मिलता है फल आज्ञा कारण कौन प्रातस्नान करिवार ब्रह्म मुहूर्त उठिकी स्नान करिवार महत्व कौन रही आज्ञा गोटे आसी थाए पद्म पुराण कथा आज्ञा जतेक गंगा जतेक आज्ञा एठारे स्नान आपण पुष्करणी करंतु किंबा जते नदी करंतु से गंगे संपूर्ण भाव से नदी गंगा नदी सहित समान जतेक नदी बहु थाए से गंगा सहित सम थाए ये कार्तिक मास रे आज्ञा से आउ कौन ना मुहूर्त को देखा पड़ू थाए आपण किसी विशेष कार्य करने को गले सेते बड़े मुहूर्त देखी थांती से भली भाव रे आमर प्रथम होची स्नान स्नान करी सल्ला परे जहा करिवे बिना स्नान द्वारा आपण किछि करी परिवे नाही सेति पई तो स्नान ही सब किछि महाप्रभुंकर जते प्रकार रहिछि से भली भाव रे रहिछि स्नान कार्तिक मास रे प्रातः स्नान कले कि फल प्राप्ति हुए ताहा आपण जानिले आश्चर्यचकित होइजिबे कारण सबु धियरे किछि ना किछि आज्ञा रहिछि आपण स्नान निश्चित भाव रे करिबे काहेकि ना कहा जाइछि शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत सहे काम छाड़ी कि आपण कौन करिबे ना सततम विहाय भुक्तव्यम सहे काम छाड़ी कि आपण कौन करिबे ना प्रथमे स्नान सतम विहाय भुक्तव्यम खाइबे सहे ठारु हजारे काम थिले हजारे काम छाड़ी कौन करेबो सहस्र जेते कहे सतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत सहे काम हजारे काम छाड़ी कि आपण कौन करिबे ना कौन करिबे ना स्नान करिबे से स्नान रो कथा जते बले आज्ञा से स्नान होछि आठ प्रकार शशि रस अशि रस के स्नान कापालिक ए बले मंत्र स्नान जो रहिछि से स्नान रो महत्व ई कार्तिक मास रे बेसी करी ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त होछि ब्रह्मंकर मुहूर्त जहा कि स्वतंत्र भाव रे
उत्तम तार सहित तारा थिबे से समय आज्ञा जहाँ चारिटारु पांचटा भितर रखा जाइछि समय आज्ञा ब्रह्म मुहूर्त अधम लुप्तता मध्यम लुप्त तारक उदय सूर्य सहित अधम होछि अधमाधम होछंती सूर्यंकर सहित से सूर्यंकर आगमन हो गले से जल संपूर्ण भाव से महाप्रभुंकर इथिपाई प्रात स्नान स्वतंत्रता रही ब्रह्म मुहूर्त स्नान कले से अमृत तुल्य से जल हूँ अमृत तुल्य आपण मान कौन हो विशल्यकरणी भली आज्ञा काम दे था प्रात स्नान करिवा द्वारा आप आरोग्यता लाभ करिवे ता सहित कहीं मनुष्य शरीर रे सबु थाई मध्य धन अच्छी आपणकर पाखरे जन अछंती किंतु जदि रोग रहिबा आज्ञा सबु थाई मध्य असार हो जाय थाय एपटे खाद्य बढ़ा जाय थिवो सेपटे आपण बसिवार शक्ति नथिवो आपण खाइबे कौन भल भल खाद्य मध्य विषतुल्य हो जाय थाय सेतिपाई ये शरीर शरीर मध्य शरीर होछि एक माध्यम सबु धर्म को साधन करिबा पाई सेतिपाई ये शरीर संपूर्ण भाव जत्न सहित नवा दरकार से आरोग्यता लाभ करने कार्तिक मासर प्रात स्नान कले संपूर्ण भाव आरोग्यता प्राप्ति होता है भक्ति मार्ग कहीं महाप्रभु को प्राप्ति हवा पूर्व देखी जपरि भाव सूर्य उदय हो आपण अर्घ्य दे आप स्नान करते तो कहीं स्नान करेंगे अर्घ्य देवे आउ जते बेले तीर्थ आटन करंती सेठारे आपण जलदान करी परिबे सेथिपाई महाप्रभुंकर कार्तिक मासर प्रात स्नान को निहाती भावरे करंतु एई जते मास रहिछि एबे तो प्रायतः कहीं आज को चतुर्दशी अर्थात आमे 14 दिन बीती गलानी काली 15 दिन बीती जी बाउ 15 दिन जो रहिला ताकू तो पालन करंतु निश्चित भाव आपणकर अनेक पुण्यवती दब से प्रात स्नान करंतु निश्चित भाव आरोग्य रुहंतु ये प्रात स्नान करिवार निश्चित भाव फल प्राप्ति होता है कार्तिक मास महाप्रभुंकर चकानयन को दर्शन सहित राई दामोदर पूजनर अद्भुत दृश्य आपण माने दर्शन करुछंती तुलसी अर्चन करा जाउछि सेठारे अँला मध्य अछंती विभिन्न प्रकार वृक्ष द्वारा तुलसी वृक्ष द्वारा सुसज्जित गोटे पाखरे श्यामा तुलसी आ गोटे पाखरे मध्य कला तुलसी आ गोटे धला तुलसी होती श्याम राधाकर प्रतिमूर्ति भावी संपूर्ण भाव पूजा करुछंती गोटे पात्र अर्घ्य धरिकी अर्घ्य दे दौंती सेपटे महाप्रभु को झुलबार गीत गाई संपूर्ण भाव झुलाई देउछंती बालुका पूजार पुस्तक धरी पढ़ई देउछंती माँ माने आज्ञा समस्ते मन ध्यान सहित से गोपी भावर सहित आज्ञा कौन करुछंती ना तंकु मध्य दर्शन करुछंती आसंतु आम से भाव पद्मपुराण अंतर्गत चतुर्दश अध्याय को श्रवण करिबा कौन महाप्रभु आदेश देउछंती अध्याय माध्यम रे नारद उवाच नारद कहुछंती पृथ्वीराजंकर आगरे ब्रह्मा कहुछंती समस्त समस्त देवतांकर आगरे विष्णु महाप्रभु कृष्ण कहुछंती सत्यभामांकर आगरे आउ आमे से कथा को आसंतु जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे श्रवण करिबा ततो जलंधरो दृष्ट्वा रुद्रमब्रूत विक्रमः चकाम मायया गौरां त्रयंबिका महान्मव शुणव पृथु महारथा एथुआ नन्ते जहा कथा से जलंधर नामे वीरा शिव संगते युद्ध तार दिनकु दिन युद्ध बळी हर असुरे रणे काली एमंते सिंधु राजा सुता युद्ध देखिले विपरीत समर सुख पाई रणे नृत्य करंती क्षणे क्षणे
ସୀତା ଦେଖି ସାଗର ତନୟ ମନରେ ଉପୁଜିଲା ଭୟ ବିଚାର କଲା ହୃଦେ ମଧ୍ୟେ ଏହାକୁ କେଜିଣିବି ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗତି କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା କାଳର କାଳ ହେଉଛି ମହାକାଳ ଯେଉଁ କାଳର ଗତି ବିପରୀତ ପ୍ରାଣୀ ଏ କାଳର ଆୟତ୍ତ ଏ ପ୍ରାଣୀ ହେଇ ମହାକାଳଙ୍କର ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା ବୁଝିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ରଣରୁ ଜିତିବି ଇଙ୍କୁ ତ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି ସମରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ତ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ଭୟ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁକିଛି ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁର ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣମ୍ ଜଗତର କାରଣ ସିଏ ଆହା ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯାହାସୁ ପତିତ ପାବନ ବରବାନା ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରତ ତ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବରତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମହାଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ ଏଣେ ଅଜୟ ଶୂଳ ପାଣି ମାୟାରେ ନ କଲେ ନୋ ଜିଣି ଏତେ ବିଚାରି ଦୈତ୍ୟ ରାୟ ମାୟାରେ ରଚିଲେ ଉପାୟ କେବଳ ଅସୁର ଆଜ୍ଞା ମାୟା କରି ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ରଣକୌଶଳ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ପଛରୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାହିଁକିନା କୁହାଯାଇଛି ବା ଆମ ଶରୀରରେ ପାପ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପୁଲାର ବିନ୍ଦ ବଦନମ୍ ପୀତ ନିର୍ମଳ ବାସନମ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପାପ ପୁରୁଷ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାମି କୁଖି ସ୍ଥିତ ପାପମ୍ ପୁରୁଷ କଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭମ୍ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟାସୁର ସଞ୍ଜା ସୁନ୍ନସ୍ତୟ ଭୁଜଦୟ ସୁରାପାନ ହୃଦାଯୁକ୍ତମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପାପ ପୁରୁଷ ଆମ ବାମି କୁଖି ସ୍ଥିତ ପାପ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପାପ ପୁରୁଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ସେ ମାୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ସେ ମାୟା ସମର ଛାଡ଼ି ବେଗେ ଗଲା ଗରିଡ଼େ ବାହୁ ଓ ଆରିଲା ପାର୍ବତୀ ରୂପ ପ୍ରାୟ କରି ରଥେ ବସାଇ ଏକ ନାରୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆସିରଣେ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବେ ଶିବ ଗଣେ ରଥେ ବସାଇ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ବନ୍ଧିଛି ପାଦ ପାଣି ଧରି ଶମ୍ଭୁ ନିଶୁମ୍ଭ ଭେନି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଚରେ ଦେଲା ନେଇ ସେ ମାୟା ଯୁବତୀକି ଧରି କୋପେ ଛାପୁଡ଼େ ମୁଖେ ମାରି ଭସାନ କରି ଦିଶନ୍ତି ଗାଳି ବିକଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାଳି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କୋକଳ ପ୍ରାୟ ବାଣୀ ବୋଲଇ ରଖ ଶୂଳ ପାଣି ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ଋତୁବ ମୁଖ ତୁ ଦେଖୁଅଛୁ ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ଚତୁର୍ମୁଖ ତୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗରେ ମହାକାଳ ଦିକତ ହେଉ ତୁମ୍ଭ ବଳ ଆମ୍ଭକୁ ଧରି ଆଣି ରାଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଆମ୍ଭ ଆଗେ ଏହା ଯେ ଆଜି ଥିଲା ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ପତି ପାଇ ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାହା କେମନ୍ତେ ସହୁ ଅଛ ତାହା ଅସୁର ଗଞ୍ଜୁ ଅଛି ମତେ ତୁମ୍ଭେ ଜିଣ କି କେମନ୍ତେ
पारिले मोते रक्षा कर नोहिले राणु अपसर एमंते बोली कंदी कंदी ईश्वर बाला विद्या निंदी एमंते बोली कंदी कंदी गौरींकर जे माया रूप से कहुथांती पुणी सकल शिव गणे तरंतुरंत हेले जाने जाने के शस्त्र न पारंती धारी असुर छिद्र पंची मारी शिव जे सती अपमाने बहुत दुख जात माने निज धजति नंदी निंदा करी अधो वदने त्रिपुरारी बोलंती धाती के चाही कि कर्म कला आनी मोबी एड़े विवाद जेऊं अर्थे से त पड़िला शत्रु हाते काही होइला एड़े कर्म सत जे चारी जोगे धर्म असुर गले जेऊं तप पार्वती अंगे नाही पाप तेबे पार्वती हेऊ पारी से ताहा दंड अछि धरी से शुंभनी शुंभ राक्षसे मारंती गौरी सकाशे हेमंते बोली साप दे पुणी चिंतंती उमा साई से सर्व मिथ्या हेउ परा जे अग्नि झांकांति उग्र तारा ताहू छुईबे काही दैत्य हेमंते बोली कले नृत्य जानी गले महाप्रभु देव देव महादेव आज्ञा जानी गले जे इनको कौन साधारण पार्वती को ये असुर छुई पारे जहाँ तप दैत्य समान संपूर्ण भाव दैत्य मान छुईले जली जाती ये शुंभ नुशुंभ छुईकि मारिपारे किपर भाव या देखी दैत्य जलंधर बांधिला कोटि कोटि सर बरसा काले जने जल वृष्टि करती मेघमाल से ही प्रकार सिंधु सुता बाण बिंधिला प्रमित ईश्वर अंगे बाण पड़ी जे सोने पर्वत हुवड़ी सरे शरीर हेला गोप्य ता देखी शिव कले कोप रुद्र स्वरूप शूल पाणी ज्युति जोकांते अग्नि जानी निर्भय विजय कले युद्धे जने मंदर सिंधु मध्य देखी प्रकाश अंधकारी रिपुमंथन शूल पाणी मरंती असुर सजन जैसे बतासे रंभावन लोटी पड़ती भूमि गते जेने ईश्वर शूल गाते पड़िले अनेक असुर ता देखी कोपे जलंधर वंदई असंख्यर बाण अग्निकुंड को जेने तृण असुर सर देखी रूपे दिगद हेले रुद्रतापे महावृषभ आत जाते दैत्य पड़ती महागाते अस्ति मायेई मली धली रुद्र जे सने झंती जली ता देखी निशाचर थाए पसंती न दे सही बाटे गोष्ठी गरिष्ठ दैत्य माने थिले राजा को छाड़ी पलाइले सैन्य अभावे जलंधर क्षत्रिय गुण महावीर मरणे उपेक्षिले सये शंका तार विरोध रणे रंका परिण घेनी प्रचंड रे पिटिला रुद्र रथे रणखंडे ध्वनि शुभिला घर घड़ी वृषावा मुच्छा जाए पड़ी बाहन अभावे ईश्वर हेले अत्यंत क्रोधवर विष्णु आयुधे सुदर्शन करे धरिले त्रिलोचन एठारे कौन धरिले ना सुदर्शन को धारण कले विश्वमूर्ति जे प्रकाशी काल पुरुष प्राय दिशी स्वभावे अनंत पुरुष अस्त्र संहारी विश्वनाथ तार श्री करे विष्णु मान विशेष देवंक वीरण से चक्र चंड करे कोटि तेजे ब्रह्मांड खंड गोटी दैत्य नाशने देव काशी चरुत चक्रुंकु बेसी आकर्षई सवद कला दश दिगे कंपिला धरणिया कंगे प्रचंड ज्योति तार देखी दैत्य बुझिले बेनी आखी
चक्र पड़ा ब्र वृक्षस्थले जेने चगड़ गिरीमाले जैसे सवाद प्रचंड परचंड छिंडिला जलंधर मुंद सिरे शरीर एक बेले कटिला पड़ा रथ तले धुनि शुभिला त्रिपुर चक्र मिलला हर करे असुर मुंड तले पड़ी ओठे अलप दंत भिड़ी नयने चाहिला तटारी देखिला शिव रूप गोटी तार शरीर ज्योतिलिंगे पशिला जाई रुद्रंगे जाता जार जातार नारी वृंदावती अग्नि रे झासी थिला सती तात्मा अंतरिक्षे थिला गौरी अंगे संभारिला। अपूर्व वृंदावतींकर ज्योति केउठारे मिसिला ना गौरींकर अंगरे। आहा अपूर्व अपूर्व ये कथा देखिले सर्वे देवताए शून्य शुभिला जय जय ब्रह्मा सहित सुरमुनि विशेष पूजा विधि घेनी आसी मिलिले शिव पासे जय मंगल नाद घोषे विविध उपहार द्रव्य शिवंकु समर्पिले सर्व स्नान कराई गंगा दीरे अंग मंडिले अलंकारे पुष्प चंदन गंध धूल गंध धूप पंच आलती होम दीप कपिला सिरे अर्घ्य देई शिवंकु संतोष कराई स्तुति करंती देवलोक बोलंती नाम त्रयंबिक नम ईश्वर नम शिव तु देव देव महादेव सर्वे देवंक शिरोमणि नव शंकर शूल पाणी तु देव आदि महेश्वर वृषव ध्वजेशी विशेश्वर अखिल ब्रह्मांड रमती तोते चिंतंती सिद्ध जति स्तुति करिबा को आरंभ कले आज्ञा समस्ते देवता माने देव देव महादेव को नमस्ते देव पशुपति तु देव एक विश्वमूर्ति तोर चरणे जोगी जने शंका उपेक्षी घोर बने आनंदे काल कामनासी जन्म मरण दुख ध्वंसी से भस्म रेणु अंगे पासी आत्मा को करुछंति सुखी एणे तो विभूति संपद ज्ञानी ही अज्ञान प्रमद अज्ञानी जनंकु तो भाव केवे न हुईब सुलभ प्राखंडे तोर मार्ग भूली संसारु मरु थंती झोरी तार विभूति घेनी भ्रांति सिंधुज प्राय नाशयंती ए दैत्य सार ए सागर तनय आंभ कु काल दंड प्राय देवंकु देला जते दुख तते न चिंती महामुख तोर शिकारे प्राय हेला तेणु जगत दुख गला तु देव देव दुर्गापति खंडिलु देवंकर विपति एणु होइले आंबे सुखी के पारे तोर महिमा लोकी केवल विष्णु शिव नाम तोर चिंते दुख शिव दोर केवल शिव नाम तोर चिंतिले दुख जीव दूर केवल शिव नाम को आज्ञा स्मरण करिदेले समस्त प्रकार दुख कटी जाई थाए से कथा कहुछंती आज्ञा समस्त देवता माने जे जन सुमरिब नित्ये से शिव लोक जीव अंते सेति पाई आज ठारु आपण स्मरण करंतु कण ना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजन करंतु शिवंकर सानिध्य प्राप्ति हेबे आज्ञा सेतिपाई तो बालुका पूजारे शिव पार्वतींकर पूजा मध्य स्वतंत्रता रही आज्ञा ए कार्तिक मासरे शिव पूजार कौन विशेषता अच्छी ता मध्य जानिबा दरकार आज्ञा एठारे तार प्रमाण मिली थाए स्वतंत्र भाव रे हरिले जलंधर नारी कपटे दैत्य रूप धरी तप्र सत्य व्रत करी नाश पुणी धरिले निज बेश से रूपे देखी वृंदावती विष्णु को साप देले सती आबे अनल हेला झास
तदेखि आनंदी पुरुष विष्णु विषादे स्तंभीभूत होई बदरी स्थाने छंती रही एवर दुख सह प्रमाद के मंते खंडी विभीषाद आंबे न जानु सुर मुनि तुम्बे जे एक आत्मा घेनी आपण होती एक आत्मा शिव जेसी से तो कहुई राम जस्य ईश्वर रामेश्वर राम जहां ईश्वर रामेश्वर आपण होती एक अनेक नुह से आपण टिके ये विधि विधान कौन रही टिके आमको जनाई दिंतुना अपूर्व भाव आज्ञा गोटे किपर भाव सुशीला आज्ञा जपर भाव कथा आसीथाए आज्ञा देखुं किपर भाव आग को आसुचित दीपावली दीपर उत्सव से रंगोली मध्यम किपर भाव जड़े भक्ताटीए आज्ञा संपूर्ण भाव तार भाव को प्रकट कर महाप्रभुंकर पाखरे आज्ञा महाप्रभु सब भाव को ग्रहण करती आज्ञा दीपर दृश्य को आपण मैंने देखुं आए कि कहुई एकादशी ठारू महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव घरे मध्य घरे घरे केवल यही तो ये संपूर्ण भाव जो अमावस्या ये केवल समस्त लोक मानकर आमर पितृलोकर आव दीपावली आग को आसूँ तापण तो आसे पर पालन भी करेंगे देवालय संपूर्ण भाव महाप्रभुंर आलय से दृश्य को मध्य उपलब्धि करेंपटे कथा महाप्रभुंर जिते बड़े आसी थाए मन संताप महाप्रभु को देवदेव महादेव को कहते आपण गोटे अनेक नुह से आपण किसी करतु मन संतास उपेक्षी सतोषे निज पुरे जीव एथिकु करीबा उपाये हेमंते बोली देवताए नमिले ईश्वर चरणे हेमंते देवी देवीक उपाये श्री महादेवंक प्रसन्ने बोलती सुण सर्वदेव विष्णु विस्मय मन देवे तंके केड़े तंकु पारिवास प्रबोधि मते तो नदी सही बुद्धि जोग जो जोग मायादि महाशय से अबा जानिबे उपाये तुम्भे ताहांकु कर स्तुति खंडिबे से तुम्भ दुर्गति एमंते कही उपदेश हरि मिलिले कपिलास सकल शिव गण तुले निज भुवने विजे कले गौरीश्वर उग्रते दसंते दर्शने सुखी केते जानती अबा बेनिजने के ताहा वर्णी बवचने एतु अनंते सुनराए शिवाज्ञा रे देवताए जानवी जले स्नान करी जोग मायांकु स्तुति करी महाशून्य कु चाही स्थिरे करनी से भी बेनी सिरे सर्वे देव दने एक स्तुति बोलंती नाम आदिशक्ति नम त्रिपुरा महामाये त्रिगुण लक्ष्य उपाय मोहमा मोहिनी माया माया महामाया विश्व शंभुवा विश्वकाया विश्व संसारे अधिकारी सर्वस्वरूपी सिद्धेश्वरी सर्वमंगला नाम बहु आश्रित जन दुख बहु आंबे तोहर निज भृत्य प्रसन्न हुआ आदिमत हेमंते स्तुति जेते भणी से जोग माया जोगे जानी आकाशे होइले उदय ज्वरंते तेज ज्योतिर्मय देशने निर्धन नल विराजे गगन मंडल दिशंति सर्वदेवगण आकाशे उच्छई किरण तेज विशासे दश दिगे रविमंडले अग्निगेशे हेमंत विचार प्रभा ते मन्ते असुर रत्न शोभा सेई स्वरूपे महामाया बोलती सुण देवताया मुही जानिली तुम्भ मन जेने संतोष भगवान एक कथा कही करीबा विचारी संसारे तीनि रूपे धरी एमंत कही माया महामाया अंते विदुत प्राय जाहा गगने होइले अदृश्य पुणि भूमिले परवेश मिलिले तीनि पुरे धरी नाम सारदा सरी धरी श्वेत कुसुम क्रंत क्रांति तिलो तिलोक मोह त्रिमूर्त देवंक आगे उभा होई
वृषभ विजे तंकु देई त्रिमूर्ति हेले तीनी मूर्ति होइले वे विष्णु दोषी तंका शनि दे देई पुण संतोष हेब नारायण ए विजय हेब जेऊ वृक्ष तेणु संसारे जने मुख्य देवंक मंगल निमन्ते ए बृहस्पति त्रिजगते होइब सर्व काम सिद्धि एवे एवे विष्णु को एणे बधि। ये जो संपूर्ण भाव रे जोग मायांकर आज्ञा जो था संपूर्ण भाव रे जो जा थिला संपूर्ण भाव रे कौन ना वृंदावतींकर वृंदावतींकर जो भस्म को तीन भाग करी जोग माया प्रदान कले जेकिठारे तुम्हें ये हूँ स्वतंत्र भाव रे एकु रोपण कर ताद्वारा जो वृक्ष उत्पन्न हेब ताद्वारा ही महाप्रभुंकर विष्णुंकर संपूर्ण भाव रे तुष्ट हो पारिब। एभली भाव रे विजय हेब जो वृक्ष तेणु संसारे जने मुख्य देवंक मंगल निमन्ते ये बृहस्पति त्रिजगते होइब सर्व काम सिद्धि एवे विष्णु को एणे बोधि एमंते कही सुभाकेशी गले से अंतरिक्षे ममिषी तहु सकल सुरमुनि बृहस्पति विजय घेनी चलिले नारायण पासे से संगे महादेव वासे सर्वदेवंक संगे थिले विष्णु दर्शने निस्तरिले समस्ते तेले देवता गले सेतेबले सदाशिव मध्य पार्वतींकर सहित मध्य चलिले। एटी संपूर्ण भाव में महाप्रभुंकर चतुर्दश अध्याय समाप्ति होई छी। आगो को जानिबा से तीनोटी जो रहिला केउ केउ वृक्ष उत्पन्न हला कौन जगत रे मंगल करिछंती ताहा आपण माने अंगे लिभौछंती आज्ञा ताहा मध्य निश्चित भाव रे काली जानिबा महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव रे पंचदश अध्याय जेकि एठारे चतुर्दश अध्याय समाप्ति होइछि। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्य जलंधर बोध नाम चतुर्दशोध्याय महाप्रभुंकर आपण दर्शन करुछंती पतित पावनंकर श्री चका चका नयन आज्ञा जहाँ को दर्शन करिबा पई सुर नर समस्ते आज्ञा देवता गंधर्व यक्ष किन्नर माने आज्ञा महाप्रभुंकर पाख को धाई आसंती श्री दृश्य को आपण जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे बसी घरे बसी आज्ञा महाप्रभुंकर से अद्भुत दर्शन को आपण मध्य दर्शन करुछंती। ये कथा को धारा को आगो को बढ़ेबा पई मोर अनुज स्वतंत्र भाव रे महाप्रभुंकर कथा को आपण को उपस्थापना करिवे आसंतु तांकर मुखार बिंदरु राजेश कुमार महापात्रंकर मुखार बिंदरु महाप्रभुंकर से दिव्य कथा को श्रवण करिबा। जय जगन्नाथ।